नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है आपका अब तक की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कहा अयोध्या पर बंद हो राजनीति, बनाया जाए एक भव्य मंदिर। दरअसल अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद भी इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दोबारा पुनर्विचार याचिका डालने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें फैसला मान्य नहीं है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, मोदी का बड़ा फैसला, पूर्व पीएम के परिवार को नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा, कानून में होगा संशोधन। दरअसल अब भविष्य में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलेगी, सरकार इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। इस सिलसिले में संसद के चालू सत्र के दौरान ही अगले हफ्ते एसपीजी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक पहले ही इन संशोधनों को हरी झंडी दे चुकी है। फिलहाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की बैठक के बाद शरद पवार का ऐलान। दरअसल महाराष्ट्र में अगली सरकार शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनने जा रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की शुक्रवार को लंबी बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया। वहीं नेक्स्ट अपडेट, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार के ऐलान के बाद राज्यपाल का दिल्ली दौरा रद्द। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर मुंबई में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के शनिवार को हुई लंबी बैठक के बाद वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जहर 3 गुने से भी ज्यादा, आज से राहत के आसार। दरअसल मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा भी आए दिन रूप बदल रही है। यहाँ प्रदूषण कभी गंभीर, कभी बहुत खराब या फिर खराब श्रेणी में पहुँच जाता है। ऐसे में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को आंशिक राहत रही और शनिवार को अधिक सुधार के आसार हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, एसबीआई ग्राहक 1 महीने में इतनी बार मुफ्त में निकाल पाएंगे एटीएम से पैसा, बदल गए नियम। दरअसल अगर आपका भी देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालने से लेकर बैंक ब्रांच से पैसा निकालने और जमा कराने के नियम बदल चुके हैं। अब एसबीआई ग्राहक 12 बार भी मुफ्त में एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, अगले 8 दिन में तय कर लें काम, वरना पेंशन मिलना हो सकता है मुश्किल। दरअसल सरकारी कर्मचारी और एक्स कर्मचारियों के जीवन साथी को जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवित होने का प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ता है। पेंशन पाने के लिए पेंशन धारकों को 30 नवंबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से जमा करना होगा। यानी जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन धारकों के पास सिर्फ 8 दिन का समय बचा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, बेफिक्र होकर करें ट्रेन में सफर, अगर घर में चोरी हुई तो IRCTC देगी मुआवजा। दरअसल ट्रेन में सफर करने के दौरान अक्सर आपकी एक बड़ी चिंता घर की लगी रहती है कि कहीं घर पर चोरी ना हो जाए, लेकिन अब भारतीय रेलवे की अनोखी पहल आपकी किसी भी चिंता को दूर करने जा रही है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, इधर आपके घर पर चोरी हो गई तो भारतीय रेलवे आपको 1 लाख रुपए तक का बीमा देगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, मोदी सरकार की एक योजना से मिले 16 लाख से ज्यादा रोजगार, जाना क्या है स्कीम का नाम। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने कितने रोजगार दिए, रोजगार है कहाँ, ऐसा कहने वालों के लिए एक जवाब लोकसभा से निकल कर आया है। जवाब रोजगार के आंकड़ों के रूप में है। रोजगार के मामले में पीएम मोदी के आलोचकों को ये डाटा परेशान कर सकता है, क्योंकि वो लगातार रोजगार नहीं होने की बात कर रहे हैं। अकेले एमएसएमई मंत्रालय की इस योजना प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में पिछले 4 साल में 16 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए हैं। वही नेक्स्ट अपडेट, सावधान, अगले साल होगी पानी की किल्लत, पानी के लिए बहुत तरसेंगे 21 शहर। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि 2020 में कुछ शहरों में पानी की भारी किल्लत होगी, जिनमें ये शहर मौजूद हैं: दिल्ली, गांधीनगर, गुड़गांव, यमुनानगर, बेंगलोर, इंदौर, रतलाम, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, जलंधर, हैदराबाद, आगरा, गाजियाबाद, चेन्नई, बेल्लौर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर हैं। वही नेक्स्ट अपडेट, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्रंप से फोन पर बात की, फिर अलापा कश्मीर का राग। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फोन पर बात की। इस दौरान इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा, साथ ही अफगान शांति प्रक्रिया पर भी ट्रंप से चर्चा की, हालांकि ट्रंप ने इमरान को तवज्जो नहीं दी। वही नेक्स्ट अपडेट, दिल्ली चेन्नई की तर्ज पर यूपी के नोएडा ग्रेटर नोएडा शहर में भी दौड़ेगी लाइट मेट्रो। दरअसल नोएडा मेट्रो रेल निगम यूरोपीय देशों की तर्ज पर नोएडा में लाइट मेट्रो चलाने का विचार कर रही है। यह ट्रेन सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। हालांकि रूट पर लाइट मेट्रो ही चलेगी, यह अभी तय नहीं है, लेकिन लाइट मेट्रो व स्टैंडर्ड गेज पर आधारित मेट्रो दोनों ही डीपीआर तैयार कराई जा रही हैं। इसे अनुमोदन के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा, वहां से अनुमति मिलने के बाद कार्य किया जाएगा। नए रूट की लंबाई करीब 11 किलोमीटर होगी। वही नेक्स्ट अपडेट, सर्दियों के दौरान ट्रेन हादसे रोकने के लिए हैंड हेल्ड तकनीकी का होगा इस्तेमाल। दरअसल सर्दी के दिनों में रेल प्रशासन के सामने सुरक्षित रेल परिचालन बड़ी चुनौती होती है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के साथ ही इस मौसम में पटरियों के चटकने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
इन वजहों से रेल परिचालन बाधित होने के साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस दौरान समस्या के समाधान के लिए रेलवे ट्रैक की निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही गश्त करने वाले कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण से लैस किया जा रहा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर राजनीति के गड्ढे में टांग नहीं फंसाना चाहते उद्धव ठाकरे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी की इच्छा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएं। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत का भी आग्रह है कि वह उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्यमंत्री बने। बताते हैं कि शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से उत्साह आएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे राजनीति के इस गड्ढे में मुख्यमंत्री बनकर अपनी टांग फंसाने से बचना चाहते हैं। वही मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में व्यापक रूप से बारिश और हिमपात की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड में कुछ जगहों पर वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तटीय तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। दक्षिण कर्नाटक तथा केरल में हल्की बारिश की संभावना है। भारत के अन्य भागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।